हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकुर है। स्टूडियो में जो मैंने मी ईयरफोन मंगवाए हैं, रेडमी ईयरफोन ओरिजिनल मी बेसिक ईयरफोन mi.com से, उसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे हैं और क्या आपको लेना चाहिए नहीं और इनकी क्या खासियत है। मैंने MI की ओरिजिनल साइट mi.com से मंगवाए हैं और ये मुझे 399 रुपये के पड़े हैं। 50 रुपये डिलीवरी चार्जेस अलग से लगे हैं तो टोटल मुझे ये 450 रुपये के पड़े हैं। अगर आप 100 रुपये एक्स्ट्रा देते तो डिलीवरी चार्जेस फ्री हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके की पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुआ है। ये जो ईयरफोन है, मैं इसको थोड़ा यूज़ कर चुका हूँ और ये इसकी जो क्वालिटी है वो ठीक है, अच्छी है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो दिक्कत होती है कान में लगाने की, जो इसकी फ़िटिंग है, इन ईयर है ये और कान में बहुत इजीली फिट हो जाते हैं। बेस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी और कॉलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। बस ये है कि अगर आप इसको कान में लगा लेते हैं तो आपको आजू बाजू का कुछ भी काफ़ी कम सुनाई देता है, तो मतलब काफ़ी अच्छा है कॉलिंग के हिसाब से भी। लेकिन जो सैमसंग के बेसिक ईयरफोन आते हैं वो बेस्ट हैं कॉलिंग के लिए, जो सैमसंग के जे सीरीज़ वगैरह के साथ आते थे तो वो बेस्ट हैं। इसमें सील लगी हुई है। इसके साथ हमें 4 ईयरबड्स मिलते हैं, 2 पेयर, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपके कल की डेट में अगर गुम जाएँ या आपके साइज़ वाइज भी छोटे का बड़ा करना हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये देख सकते हैं कि नीले कलर में मैंने मंगवाए, उसमें पास रेडमी नोट 8 प्रो वाइट में इसलिए। और ये देख सकते हैं इस तरीके से थोड़े झुके हुए आएंगे तो आपको ये कान में बहुत ईजी अच्छे से फिट हो जाते हैं और ये अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप इसको बिल्कुल मंगवा सकते हैं।